इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोंकर की एक प्रॉब्लम है बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्जन, और उसमें उसका एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है, उसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो ए बाइनरी नंबर इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन बिन बाइट। तो बिन बाइट बेसिकली क्या है? बिन बाइट है एड्रेस उस पार्टिकुलर नंबर का जो स्टोर है मेमोरी में, रीड राइट मेमोरी में। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कुछ इस तरह से। तो सपोज करो यहाँ पर हमारा ये एक मेमोरी है, तो यहाँ पर ये है बिन बाइट, ये एड्रेस है इस पार्टिकुलर लोकेशन का। ठीक है, इसमें कोई नंबर मान लिया, नंबर सपोज करो A9 है, जो प्रीवियस एग्जाम उसमें जो प्रोग्राम है उसमें था। तो ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है BCD में। अब किस तरह कन्वर्ट करना है? तो उसने दिया है कि इनपुट कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको प्रोसेस करना है, BCD में कन्वर्ट करना है। तो BCD कैसे कन्वर्ट करना है? पैक्ड BCD में लाना है, अनपैक्ड में लाना है। तो उसने यहाँ पर सेकेंड लाइन में उसको मैंशन किया है, कन्वर्ट द नंबर इन टू BCD एंड स्टोर ईच BCD एज टू अनपैक्ड BCD डिजिट इन द आउटपुट बफर। ठीक है, तो आउटपुट बफर भी क्या है? एक वो भी मेमोरी ही है, रीड राइट मेमोरी। तो यहाँ पर बिन बाइट के नाम से स्टार्ट किया, जहाँ पर वो सोर्स है और जहाँ उसका आउटपुट सेव करना है उसको एक और यहाँ कोई लोकेशन दे देते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं आउट बफर, आउट बफ। ठीक है, हो गया आउट बफ। ठीक, तो अब यहाँ पर ये देखना है कितनी ये ज़रूरत पड़ेगी इसको आउटपुट बफर में, कितनी बाइट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो अनपैक्ड BCD नंबर बोल रहा है और यहाँ पर स्पेशल लिखा है टू, एस टू अनपैक्ड BCD डिजिट इन द आउटपुट बफर। तो कोई भी नंबर है तो उसकी रेंज जो है बाइनरी नंबर की वो क्या रेंज हो सकती है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो 00 से लेके बाइनरी नंबर FF तक जा सकता है 8 बिट में। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, है ना, तो डेसिमल में कन्वर्ट करके वो 00 से लेके 255, यानी FF इक्वल्स टू जो हेक्सा डेसिमल में वो इक्वल्स टू होता है 255 डेसिमल में। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाना है तो हमें 3 डिजिट जो BCD के 3 नंबर आएंगे, एक तो 2, एक 5 और एक 5 मैक्सिमम। ठीक है, तो अब इनको सेव करने के लिए यहाँ पर हमें 3 मेमोरी 3 लोकेशन चाहिए। ठीक है ना, तो एक लोकेशन ये हो गई, एक लोकेशन दूसरी ये हो गई और एक लोकेशन ये हो गई। तो एक में आएगा यहाँ पर 10 वाली डिजिट ले लो, सपोज करो हमने A9 अगर नंबर लिया है तो A9 का जो होता है इक्वल्स टू होता है 169 डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर हमारा 06 आया, यहाँ पर हमारा 09 आया, ये इस तरह सेव करना है। ठीक है, तो करना ये है, क्लियर है। अब कैसे करना है प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसने एक प्रोग्राम जो दिया है बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर दी है कि हमें प्रोग्राम किस तरह लिखना है। तो टू परफॉर्म दिस टास्क राइट ए मेन प्रोग्राम, तो एक मेन प्रोग्राम बनाना है एंड टू सब रूटीन, उसके 2 सब रूटीन बनाने हैं, 1 टू सप्लाई द पावर ऑफ 10। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना है, एंड द अदर टू परफॉर्म कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में तो बाइनरी से हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं BCD में, पर ये सप्लाई ऑफ पावर ऑफ 10 ये है क्या, अब इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक, तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि ये 169 है, A9 को कन्वर्ट करके हमारा आया 169। ठीक है, H हेक्साडेसिमल में, सॉरी ये H नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। ओके, तो ये डेसिमल में आया हमारे पास, अब जो इसमें 9 है वो है हमारी, अगर इसको मैं वेट के हिसाब से करूँ तो 10 टू द पावर 0। जो 6 है वो है हमारा 10 टू द पावर 1, वेट के हिसाब से 169 में, और अगर इसको 1 को करूँ तो ये है 10 टू द पावर 2। तो 10 की पावर जो है वो जो पावर ऑफ 10 जो लिखा है सप्लाई द पावर ऑफ 10, तो जो एक सब रूटीन बनाएंगे जो सप्लाई ऑफ पावर ऑफ 10 करेगा। ठीक है,
तो अगर हम मुझे इस 169 में से 1 और 6 और 9 तीनों को अलग अलग करना है, 169 से 1 को अलग करूँ, 6 को अलग करूँ, 9 को अलग करूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? तो मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 169 से डिवाइड कर दूँ, 169 को डिवाइड करूँ 100 से, तो मेरा जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, सिर्फ इंटीजर पार्ट अलाउ है, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं। तो 1 आएगा क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो 8085 है वो सिर्फ जो है वो फ्रैक्शन में आंसर नहीं देता है ना, तो फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक नहीं करता है, वो सिर्फ इंटीजर वाली करता है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो जो भी पॉइंट वॉइंट में आएगा वो कुछ नहीं आएगा, तो इसमें सिर्फ 1 आएगा। ऐसे ही जो इसका फिर जो रिमाइंडर बचेगा 69, उसको डिवाइड करेंगे 10 से, सही है। तो यहाँ पर जो पावर ऑफ 10 जो है, तो यहाँ पर ये पावर ऑफ 10 है, ये उस नंबर को निकालने के लिए पार्टिकुलर, तो ये वाला निकाल लेगा 100। ये वाला जो नंबर है इसको बोलते हैं 100 डिजिट, इसको बोलेंगे 10 डिजिट, इसको बोलेंगे यूनिट डिजिट। तो जब 100 की पावर, मतलब पावर ऑफ जो 10 है वो 2 सेंड करेगा पहले, तो हमारा निकलेगा पहला, सही है, ये नंबर आएगा 1। ठीक, उसके बाद जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, ये निकल के आएगा। और फिर उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको 9 को, उसको किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यूनिट डिजिट है तो 9/1 प्रोसीजर बाई होना चाहिए, तो उसका कुछ बेनिफिट है नहीं, तो वो सीधा एज इट इज़ 9 रह जाएगा। तो ये तो 6 आएगा और वो एज इट इज़ 9। ठीक, तो ये तीनों अलग अलग हो गए, अब इनको अलग अलग कंजिक्यूटिव मेमोरी में सेव करा देना है, तो ये काम करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो हम करते हैं डेसिमल अरिथमेटिक में, पर माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करता है? माइक्रोप्रोसेसर करेगा, A9 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100, A9H हेक्साडेसिमल में है, तो 100 डेसिमल को अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा 64H। ठीक है, तो 64H इक्वल्स टू होता है 100 जो डेसिमल में, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसमें बचेगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसमें बचेगा 45, जो इसका आएगा रिमाइंडर। ऑलराइट, रिमाइंडर का मतलब है जैसे A9 है आपका, ये कोई नंबर है, सही है, ये आपका 64 डिवाइजर हो गया, सही है, डिवाइडेंड हो गया, जब इसको डिवाइड करोगे तो इधर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका आएगा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है, पावर ऑफ जो 10 है वो, मतलब कहने का मतलब है 100 वाली जो आपकी डिजिट है, तो इसको इस केस में 100 वाली डिजिट, अगर 64H से इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन जो है वो 100 वाली डिजिट आएगी यहाँ पर। ठीक है, और जो नीचे आएगा वो बचेगा रिमाइंडर, ठीक है ना, तो इस तरह का है। तो A9 को डिवाइड किया 64 से, आया 1, फिर ये जो रिमाइंडर बचा इसमें बचा 45, फिर उसके बाद 45 को डिवाइड करेंगे 10, 10 है डेसिमल में पर ये हेक्साडेसिमल में है, ये भी 45 भी, तो 10 को अगर हम कन्वर्ट करें हेक्सा में तो बनेगा 0A H, तो उसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 6। ठीक है, और रिमाइंडर में बचेगा 9, और 9 जो है वो आपकी इटसेल्फ वो कौन सी है, यूनिट डिजिट है। तो जैसे जैसे इनको निकालते जाएंगे डिवाइड करने के बाद, उस पहले सबसे पहले जब उसको 100 से डिवाइड करेंगे यानी 64H से डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद जो आएगा वो है हमारी 100 डिजिट, सही है, फिर उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर को, जो बचा हुआ है वो आएगी हमारी 10 डिजिट, और उसके बाद जो उसका भी रिमाइंडर है वो है हमारी यूनिट डिजिट। तो ये तीनों क्या है, BCD नंबर हैं, और इनको अनपैक्ड ही सेव करना है, तो इसमें 01 06 09 इस तरह सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रोग्राम कैसे काम करेगा इसको समझ लेते हैं। अब एक और दिक्कत है, हमारा जो माइक्रोप्रोसेसर 8085, उसमें कोई डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन वाला कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें कैसे? तो उसके लिए है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो सक्सेसफुली, वो सॉरी रिपीटेटिवली आपको करना है सम, तो वो तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर सपोज़ करो आपको मल्टीप्लाई करना है, मैं इसको ज़रा रफ़ कर देता हूँ, अगर मुझे कोई डिवाइड करना है
नंबर, तो मल्टीप्लाई करना है, अगर सपोज करो 5 मल्टीप्लाई बाई मुझे करना है 6, तो मैं क्या करूँ 5 को 6 टाइम्स ऐड कर दूँ, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, इस तरह कर सकता हूँ। तो एक काउंटर में 5 ले लो और एक्यूमुलेटर को ऐड कराओ 6 से 5 टाइम्स, ठीक है, तो ये बन जाएगा सिंपल। ऐसे ही अगर डिवाइड करना है, तो सपोज़ करो 75 को डिवाइड करना है 5 से, तो मैं क्या करूँ 75 माइनस 5, तो मुझे क्या करना है रिपीटेटिवली सब्ट्रैक्शन 5, फिर बचा हमारा, अब ये सक्सेसफुली हो गया 70 बचा, सही है। तो जब भी एक बार सक्सेसफुली सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब विदाउट एनी बोरो, रिजल्ट जो जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव आ रहा है जब तक, तो ये सक्सेसफुली इसको माना जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्शन। तो इसको काउंट करते रहेंगे जितनी बार सक्सेसफुली हुआ, तो 1, फिर 75 माइनस, फिर 70 माइनस 5 करेंगे, ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा 65, तो ये आ गया 2, तो यहाँ पर इसको काउंट करते रहेंगे कितनी बार सक्सेसफुली हुआ। तो जहाँ पर आपका आएगा 5 माइनस 5, वहाँ पर आपका ये हो गया आपका 0 रिमाइंडर। तो 0 पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो वो आएगी 5, 15 के करीब आएगी, ठीक है। पर जब 0 से फिर 5 करोगे -5, तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है 15 की, अब ये आगे इसको नहीं बढ़ेगी क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव में हो गया, ठीक। तो इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, तो रिजल्ट अब नेगेटिव में आया है, इसको वापस पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करोगे, क्योंकि अब अगर माइक्रो प्रोसेसर में देखें तो माइक्रो प्रोसेसर में रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में रहता है, तो एक्यूमुलेटर में हमें चाहिए ये वाली टर्म, आ रही है ये वाली टर्म नेगेटिव, सही है, ये इंक्रीमेंट हुआ नहीं क्योंकि सक्सेसफुली हुआ नहीं, है ना, रिजल्ट नेगेटिव में पहुंच गया तो गलत चला गया। तो उसको सही करने के लिए -5 + 5 करेंगे और वो फिर वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, अब चलो प्रोग्राम पे चलते हैं, प्रोग्राम को समझते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ अगर रहता है तो फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमारा नंबर पड़ा हुआ है बाइनरी बाइट A9H, ये कोई नंबर है जिसको हमें क्या करना है BCD में कन्वर्ट करना है। तो सब रूटीन बनाने हैं तो कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज़ होगा, तो LXI स्टैक पॉइंटर स्टैक, तो स्टैक से उसको इनिशलाइज कर दिया है, ठीक, स्टैक को इनिशलाइज कर दिया, तो इससे ऊपर ही लेना है। अगर आपने इसे 2070 लिया आउटपुट बफर को, तो उसको 3000H ले सकते हो। ऐसे ही LXI H बाइनरी बाइट, तो लेबल लगा दिया एड्रेस का जो यहाँ पर है, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, 2030 सपोज करो, तो 2030 वाला जो नंबर है, जो A9 है, जब इस इंस्ट्रक्शन को लिखोगे मूव A M, तो A9 एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो M इंडिकेट करता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, और जो है इनडायरेक्ट जो होल्ड करते हैं उस एड्रेस को, वो है HL रजिस्टर पेयर, तो HL रजिस्टर पेयर पॉइंट आउट करेंगे इसको, और ये कंटेंट चले जाएंगे किसमें, A में। उसके बाद करेंगे कॉल पावर ऑफ 10, तो अभी सब रूटीन को कॉल किया, तो सब रूटीन पे आ गए, हाँ, तो A9 अब इसके अंदर है, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, मेमोरी से उठा के माइक्रोप्रोसेसर के अंदर है एक्यूमुलेटर में। अब हमें क्या करना है, अब हमारा एक ही नंबर था बाइनरी नंबर, तो हमारा काम खत्म हो गया इसके डेटा पॉइंटर का, तो इसका काम अब खत्म हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें जो HL रजिस्टर पेयर है, ठीक है, उसको हमें अब डेटा पॉइंटर बना देना है जहाँ पर हमें आउटपुट सेव करना है, ठीक है। तो आउटपुट बफर अब इसका एड्रेस इसमें लोड कर देंगे HL रजिस्टर पेयर में। अब उसके बाद एक्यूमुलेटर से पहले 100 वाला, तो हमने क्या किया, पहले हम क्या करेंगे A9 से माइनस करेंगे, A9H से माइनस करेंगे 64H, ठीक। तो यहाँ पर वही है कि MVI B, तो पहले 10^2, ठीक है, 100 वाली डिजिट को सर्च कर रहे हैं A9 में कौन सी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमने कॉल किया बाइनरी टू BCD कन्वर्जन प्रोग्राम को, तो बाइनरी टू BCD, ठीक है। तो जैसे ही सक्सेसफुली होता है, जैसे मैंने बताया है कि इधर हमारा 100 की, यहाँ पर 100 डिजिट है, 100 डिजिट, तो अगर सक्सेसफुली हुआ तो यहाँ पर ये 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 64 माइनस, हाँ, तो 64 माइनस ये, तो यहाँ पर आएगा 45, तो सक्सेसफुली हुआ क्योंकि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आया, तो 100 जो आया
उसकी वैल्यू 0 से 1 हो गई। फिर उसके बाद जब 45H माइनस 64H करोगे तो ये रिजल्ट आएगा नेगेटिव में, तो सक्सेसफुली ये सब्ट्रैक्ट हुआ नहीं, तो अब ये क्या होगा, 100 की पावर एज इट इज़ 1 रहेगी, अब इंक्रीमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्योंकि रिजल्ट हमारा नेगेटिव आया और रिजल्ट हमारा किस में एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेटर में, तो फिर क्या करेंगे, वापस क्या करना है उसको 60 जो यहाँ पर नेगेटिव में जो भी नंबर आया उसमें प्लस 64 कर देंगे और वो वापस 45 बन जाएगा। ऑलराइट, तो इसको इस तरह से इसको याद रखना है कि हमें वापस दोबारा करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन समझते हैं क्या है। तो जो 100 वाली डिजिट है, तो इसके लिए भी एक स्टोर करने के लिए, जब भी सक्सेसफुली होगा तो इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो रजिस्टर लिया है इन्होंने बाइनरी टू बीसीडी एमवीआई एम कोमा एफएफ किया, और उसको पहली इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट एम। तो जब एम कोमा एफएफ किया तो यहाँ पर 01 की जगह जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर सेव होगा एफएफएच। ठीक है, पर जब इंक्रीमेंट एम करेंगे तो एफ एफ को जब इंक्रीमेंट करोगे एफ एफ एच प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारा 00H। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गया 00 इस इंस्ट्रक्शन के बाद, INR M के बाद। उसके बाद अब हमने, तो जो 100 वाला है तो जब सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करने से पहले 100 वाली डिजिट को सेट कर दिया 0, तो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 हो गया, अब सब्ट्रैक्ट किया B, तो पहला A9 किस में है, एक्यूमुलेटर में, 64 किस में है, बी रजिस्टर में। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो एक्यूमुलेटर में अब इसके बाद कंटेंट आएंगे 645H। जंप इफ नोट कैरी, कोई कैरी आई सक्सेसफुली हो गया, कोई बोरो तो जनरेट हुआ नहीं, जब बोरो जनरेट नहीं हुआ तो ये फिर क्या, नेक्स्ट बफर पे वापस जाएगा, तो इंक्रीमेंट करेगा एम को, तो जो पहले 0 वैल्यू थी वो क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, 1 हो गई, तो 1 होने के बाद क्या होगा, फिर दोबारा सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 45 में से बी माइनस करेगा, तो यहाँ 45 है इसमें से बी, बी की वैल्यू क्या है, 64H, तो माइनस करेगा, अब रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो जंप इफ नोट कैरी, जंप इफ नोट कैरी का क्या मतलब हुआ, अब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हुई नहीं हुई, क्योंकि अब बोरो आ गया, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव है जो आपका 64 है वो ग्रेटर है 45S से, तो बोरो आपका आ गया, बोरो आ गया तो इसका मतलब कैरी है, सही, तो जंप इफ नोट कैरी, तो अब कैरी है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो अब ये यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। अब इसको समझो यहाँ पर क्या है, तो एक्यूमुलेटर के अब जो कंटेंट है जंप इफ नोट कैरी वाला इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ तक, तो एक एक कंटेंट जो है वो नेगेटिव हैं जो भी आपको आएंगे 45H माइनस 64H करके। ठीक है, तो अब हमें वापस ये बनाने हैं 45, क्योंकि ये तो सक्सेसफुली हुआ नहीं था, तो अब वापस बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एक्यूमुलेटर के कंटेंट है नेगेटिव, उसमें जो हमने ये 64 माइनस किया था वापस 64 प्लस कर दो, तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 45। तो यहाँ पर वही किया है, ऐड बी, तो एक्यूमुलेटर में नेगेटिव था, बी में 64 था, उसको ऐड किया, तो अब वो हमारा एक्यूमुलेटर में आ गया 45। ठीक, अब उससे आगे चलते हैं, 45 करने के बाद उसको इंक्रीमेंट कराया एच को, तो अब इस वाली लोकेशन में 00 के बाद जब इंक्रीमेंट एम कराया तो ये क्या हो गया, उसके कंटेंट हो गए 1। ठीक है, तो अब इसके कंटेंट जो हैं, हमारे हो गए यहाँ पर, तो आउटपुट बफर जो है हमारा, इसमें हमारा स्टोर होगा 01, है ना, इंक्रीमेंट हो गया एम पहले। ठीक है, और उसके बाद ये नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव नंबर आया तो इस लूप से बाहर आ गया, लूप से बाहर आया तो ऐड बी कराया। ठीक, तो ऐड बी जब कराएगा, ठीक है, तो ऐड बी कराया तो वापस वो 45 में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इंक्रीमेंट कराया तो अब नेक्स्ट लोकेशन पे आ गया, तो यानी अगर आउटपुट बफर आपने 2070 लिया था एड्रेस, तो अब जो बन गया वो 2071, तो 2070 से 2071, तो नेक्स्ट लोकेशन पे आ गया अब हमारा पॉइंटर, जहाँ पर अब नेक्स्ट जो 10 वाली जो डिजिट है उसको सेव करना है। तो अब एक्यूमुलेटर में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर एक्यूमुलेटर में है इस पॉइंट पे इक्वल्स टू 45H। ठीक है, और अब यहाँ पर जो वैल्यू है एच एल की वैल्यू हो गई, जो अगर मैं इसको उसमें लिखूं आउट बफ प्लस 1,
ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, और उसके बाद रिटर्न, तो रिटर्न होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर, अब इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो एम वी आई बी, अब बी में कंटेंट क्या डाल दिए, 0ah, तो 0ah है 10, ठीक है, और वापस ये फिर रिपीट होगा, तो नेक्स्ट लेवल पर आ गए अब यहाँ पर, तो अब यहाँ पर 06 की जगह, जब पहले इंस्ट्रक्शन ये एम वी आई एम एफ एफ स्टोर होगी, तो यहाँ पर पहले आएंगे ये 06 की जगह कंटेंट एफ एफ, ठीक है, पहले कुछ भी नहीं थे, फिर इसमें एफ एफ आए, ठीक, एफ एफ के बाद फिर ये इंक्रीमेंट हुआ, तो ये बन गया 00, ये कंटेंट हो गए अब 00 इस लोकेशन पे, ठीक, 00 के बाद सब्ट्रैक्ट किया बी, तो 45 में से माइनस किया, ठीक है, यहाँ पर 45H से माइनस किया 0AH, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट आया पॉजिटिव, तो ये सक्सेसफुली हो गया, जब तो पॉजिटिव आता रहेगा रिमाइंडर, तब तक तो सक्सेसफुली हो रहा है, तो 10 वाली डिजिट जो स्टोर हो रही है, किसमें हो रही है, एम में, यानी इस लोकेशन में, ठीक है, तो 01, तो इंक्रीमेंट हुआ, तो अभी 00 था, ये सक्सेसफुली यहाँ से होके, जब इसके पास वापस आएगा, तो सक्सेसफुली ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1, ठीक है, तो ये हो गया, अब यहाँ पर एम जो लोकेशन है, सही है, तो जो उसका एम जो उसके कंटेंट हैं वो क्या हो गए हमारे अब 01, उसके बाद फिर जो भी यहाँ पर आया उसमें से फिर 0A माइनस होगा, तो सक्सेसफुली हो जाएगा ये भी, तो यहाँ से फिर वापस इधर जाएगा, अभी पॉजिटिव भी में आया, तो फिर उसके एम की वैल्यू हो जाएगी, जो एम के अंदर कंटेंट है, सही है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, यानी यहाँ पर अब 2 हो जाएगा, तो ऐसे ही 0, 1, 2, 3, 4, 5 और वो 6 तक चलेगा, तो जब 6 पे पहुँचेगा, तो यहाँ पर जब तुम्हारा 6 के बाद जब इस पर आएगा करने के लिए, सही है, तो यहाँ पर जो कंटेंट आएंगे, वो आएंगे हमारे हाँ, ये 6 हमारा चला, मतलब 6 बार ये हमारा चलेगा, 6 टाइम्स लूप, तो m की वैल्यू यहाँ पर जब 0, 6 हो जाएगी, तो a के कंटेंट यहाँ पर कितने बचेंगे, तो अब इसको एक बार आप इसको करके देखो, 6 टाइम्स उसको ऐसे माइनस करते रहो, और उसको जो मतलब हर बार उसमें से माइनस करते चले जाओ, सही है, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट ही बचता है, तो आपके उसमें रिजल्ट ही आता रहेगा, तो जब उसको 6 बार आप उसमें 0A 0 माइनस करोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है वो 10 से लेस रहेगी, सही है, तो लास्ट लैप में क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है तो कुछ वैल्यू आएगी, वो मैंने कैलकुलेट करके देखा नहीं है, ठीक है, तो लास्ट प्रोग्राम में मैंने शायद डिस्कस किया है, और जब -0AH करेंगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव, तो ये लूप क्या है, यहाँ इस लूप से बाहर आ जाएंगे, जब इस लूप से बाहर आएंगे तो वापस जो नेगेटिव से उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी वो 09 आता है, जब यहाँ पर ये 6 मतलब सक्सेसफुली होता है, तो 09 आता है आउटपुट में, तो 09 माइनस जब 0A करेंगे, तो यहाँ पर 09 माइनस 0A करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 आएगा तो यहाँ बोरो सेट हो जाएगा, बोरो सेट होगा तो ये एड बी, सही है, तो इससे बाहर आ जाएगा, ऐड भी करेगा, तो -1 में ऐड करेंगे 0A को, तो -1 में 0A को ऐड करेंगे, तो अब यहाँ वैल्यू हो जाएगी इसकी 09, और इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये +1 +1 हो गया, ठीक है, तो 09 हुआ, उसके बाद यहाँ पर अब इसको इंक्रीमेंट तो हो ही गया +1, तो 09 जो वैल्यू है उसको नेक्स्ट लोकेशन में सेव करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर INXH हुआ, तो यहाँ पर अब हम पहुँचे यहाँ पर, तो यहाँ पर 09 को एक्यूमुलेटर का इसमें सेव करा दिया, और यहाँ प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये है ये प्रोग्राम, अब इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं, उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है, तो बाकी अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, ठीक है, चलिए इसको यहीं रुकते हैं।